डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में प्रधानाचार्य कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में तालमेल न होने के कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। दोनों कार्यालयों के मुखिया में तालमेल की कमी का खामियाजा रोगियों को भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामले में प्रिंसिपल कार्यालय द्वारा एक फार्मासिस्ट को ऊना जिला की एक PHC के लिए रिलीव कर दिया। उसी फार्मासिस्ट की ड्यूटी चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय द्वारा आपातकाल के समय रात्रि में लगा दी गयी। अब संबंधित फार्मासिस्ट रिलीव हो जाने के कारण आपातकालीन रात्रि ड्यूटी पर नहीं आया, जिसके चलते मरीजों को दवाइयां नहीं मिल पाई। अब संबंधित अधिकारी तो मामले की जानकारी न होने की बात कर अपना पल्ला झाड़ते फिर रहे हैं, लेकिन आपातकाल के समय जिस मरीज के तीमारदार को कड़ाके की ठंड में दवाइयां उपलब्ध न होने पर परेशानी का सामना करना पड़ा हो, उसका अनुमान शायद ही इन वातानुकूलित कमरों में बैठने वाले अधिकारियों को होगा। आमजन में यह चर्चा व्याप्त है कि यदि मेडिकल कॉलेज के प्रशासन को यह जानकारी ही न हो कि आपातकाल में सेवाएं देने के लिए अधिकृत किए गए फार्मासिस्ट को रिलीव किया जा चुका है, तो अन्य समस्याओं की कितनी जानकारी अधिकारी वर्ग को होगी व उनका समाधान कितना हो पाता होगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। PRTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।